दिस इज़ रॉक की एम जे आर राइट ना यू आर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो अभी हूँ मैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन मेट्रो म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आओगे तो आप मेट्रो के म्यूजियम्स कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पे आपको ये पता चलेगा। बाकी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जंतर मंतर जा रहा हूँ, और क्योंकि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से पास में ही है तो मैं वहाँ पे चल के आपको जंतर मंतर दिखाता हूँ। अगर आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन आते हैं तो आप म्यूजियम भी घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। बाकी चलिए और आपको मैं सीधा जंतर मंतर पे मिलता हूँ, तो चलिए बनते हैं। आ चुका हूँ जंतर मंतर के अंदर। तो जंतर मंतर में आने से पहले आपको बता दूँ कि आपको काउंटर पे टिकट मिल जाएगा। तो टिकट की जो प्राइस है 25 रुपीज़ है, एडल्ट के लिए 25 रुपीज़ है, फॉरनर के लिए 250 रुपीज़ है, जिसको आप काउंटर पे लेकर के आप इसके अंदर आ सकते हो। उसके बाद ये जंतर मंतर का निर्माण जो है जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। और जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, भारत में 5 जगह है, जो काशी, मथुरा, उज्जैन और न्यू दिल्ली और जयपुर में है। और अभी करंट टाइम में जो ये सिर्फ 4 जगहों पे है। मथुरा का जो 1857 की क्रांति के समय वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो अभी वो है नहीं। और भारत का सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर के अंदर स्थित है। तो आपको मैं जंतर मंतर के और व्यूज दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर कुल 4 यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, मिश्रित यंत्र और सम्राट यंत्र, जो कि आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो चलिए बनते देखते हैं। एक वेदशाला के रूप में किया जाता था। यहाँ पर जो जय सिंह थे, राजा जय सिंह, वो यहाँ इस जंतर मंतर की मदद से पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच होने वाली गतिविधियों को नापते थे, उनके बीच आने वाले बदलाव परिघटनाओं को नापते थे। ये खगोलीय वेदशाला के रूप में इसका यूज़ किया जाता था, जिससे सही गणनाएँ की जा सकें और सटीक गणनाएं की जा सकें और अपनी रणनीतियों को बनाया जा सके। मौसम, बहुत सारी, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मिश्रित यंत्र है, जो कि अलग अलग 5 यंत्रों को मिलाकर के बनाया गया है। इसका भी यूज़ सनडायल के रूप में किया जाता है। तो गाइस ये है पीछे मेरे मिश्रित यंत्र, 5 यंत्रों को मिलाकर के इस यंत्र को बनाया गया है। इसमें साइड में दो हैं सम्राट यंत्र जो दिख रहे हैं आपको, फिर बीच में ये कर्क रस्सी वाले और इसके साथ और भी 2 यंत्रों को मिलाकर के बनाया गया है। तो यह है सम्राट यंत्र और बाकी यंत्र और दिखाता हूँ। कुल मिला के इस जंतर मंतर का यूज़ ये खगोलीय परिघटनाओं को जांचने के लिए, सही तारों की गतिविधि, बारिश वर्षा कब होगी नहीं होगी, इस तरीके की परिघटनाओं को जांचने के लिए यूज़ किया जाता था। और राजा महाराज सवाई जय सिंह जो थे, बहुत बड़े गणितज्ञ और उनको बहुत सारी भाषाओं का विज्ञान था, तुर्की, फारसी, हिंदी, संस्कृत उनकी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो इस तरीके की वेदशालाओं का निर्माण करवाया था उन्होंने। और उनका नाम, पहले जो नाम था उनका विजय सिंह था। जब वो महाराज और सम्राट अकबर के दरबार में जब गए थे तो उनके सामने उनकी हाजिर जवाबी और दिमाग को देखते हुए उनका नाम सवाई जय सिंह रख दिया। और ये जो पीछे देख रहे हो ये है सम्राट यंत्र, ये सम्राट यंत्र है। Thank you.
गाइस दिल्ली के आसपास से आने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं, आने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है कि मेट्रो से आए, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आए, उसके बाद वहां से आप पटेल चौक आए। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से ये जस्ट 5 से 6 मीटर की मिनट की दूरी पे आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ आने से पहले आप अपने साथ वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आसपास आपको ऐसा कुछ पीने के लिए कुछ दुकानें मिलेंगी नहीं, आप तो साथ कैरी करके ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरी वीडियोस पे बने रहें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं और किसी नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद।